चल मेरी ढोलक थम थम कर, तुम और हम नानी के घर। हेलो बच्चों, मेरे पास दो तीन कहानियां, आप कौन सी सुनना चाहोगे? चूहे वाली, शेर वाली के वो, नानी के घर वाली? नानी के घर नानी के घर वाली। चलो, हाँ वही फेवरेट है, वही सुनाती हूँ फिर। तो एक बच्चा था, उसका नाम था बीनू। तो वो, उसकी स्कूल की छुट्टियां हो गई तो बोर हो रहा था। उसकी मम्मी ऑफिस में जाती थी, वो अकेला रहता था घर में। तो उसने कहा कि मम्मी मैं बोर हो रहा हूँ, मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा, दो महीने वहीं रह के आऊंगा। तो उसकी मम्मी कहता है कैसे जाऊंगा? तो कहती है एक ढोलक बना देते हैं, ढोलक में बैठ जा कि नानी का घर बहुत दूर है, रास्ते में जंगल आता है। तो वो ढोलक में बैठ जाता है, तो कहता है नानी के घर चले हम और तुम, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम। तो रास्ते में शेर आ जाता है, शेर कहता है ठहरो मैं तुमको खाऊंगा। वो कहता है नानी के, अभी तो मैं कमजोर सा हूँ, पतला सा हूँ, नानी के घर जाऊंगा, लड्डू पेड़ा खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना। कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर वो चला जाता है, फिर ढोलक को धक्का मारता है और चला जाता है आगे। नानी के घर चले हम और तुम, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम। आगे भालू आ जाता है, कहता है ठहरो मैं तुमको खाऊंगा। वो कहता है अभी तो मैं छोटा सा हूँ, कमजोर सा हूँ, पतला सा हूँ, मैं अभी नानी के घर जा रहा हूँ, वहां जाऊंगा खूब लड्डू पेड़ा खाऊंगा, हलवा पूरी खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना। कहता है अच्छा अच्छा मैं इंतजार करूंगा, हैं यही मैं ठहरूंगा और तुम जल्दी से आ जाना नानी के घर से मोटे होके। तो फिर ढोलक को धक्का देता है, कहता नानी के घर चले हम और तुम, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम। फिर उस, फिर नानी के घर जाता है और खूब खाता है, खूब खाता है। नानी भी उसको खूब खिलाती है, बहुत मोटा कर देती है, हलवा पूरी लड्डू जो भी दुनिया की चीजें होती है उसको खिलाती है। अब नानी कहती है कि बेटा अब दो महीने हो गए, स्कूल की छुट्टियां बंद हो गई हैं, अब तुम अपने घर जाओ। हैं, कहता नानी मैं कैसे घर जाऊंगा, रास्ते में तो मेरे को शेर मिलेगा, भालू मिलेगा, चीता मिलेगा, ये तीनों मेरे को खा जाएंगे। कहती है अच्छा ये बात है। तो नानी क्या करती है, इतनी पुड़िया में उसको लाल मिर्ची दे देती है लिफाफे में बना के, कहती जैसे ही वो तेरे पास आएंगे ना तो तू उनकी आंख में मिर्ची डाल देना, तो भाग जाएंगे, तू फिर अपनी मम्मी के घर चले जाना। फिर वो ढोलक में बैठ जाता है मिर्ची लेके और कहता है मम्मी के घर चले हम और तुम, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम। वो पहले भालू आता है, भालू कहता ठहरो मैं तुमको खाऊंगा। कहता हाँ हाँ अब तो मैं मोटा होके आ गया हूँ, जल्दी आ जा और मेरे पास आके मेरे को खा ले। तो वो पास आता है, उसकी पुड़िया में से लाल मिर्ची निकालता है और उसकी आंख में डाल देता है, और भालू को दिखता ही नहीं है, और वो अपनी ढोलक को धक्का देता है और कहता है मम्मी के घर चले हम और तुम, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम। तो आगे चला जाता है, फिर उसको वो शेर दिखाई देता है, शेर फिर पैर को हाथ ढोलक को रोक लेता है, कहता है ठहरो मैं तुमको खाऊंगा। वो कहता है आ जा मैं तो बहुत मोटा होके आया हूँ नानी के घर से, लड्डू पेड़ा खाया है, हलवा पूड़ी खाया है, आ जा मेरे पास आके खा ले। तो वो पास आता है, फिर उसकी आंख में मिर्ची डाल देता है, वो भाग जाता है। तो वो फिर ढोलक को धक्का देता है, घर चले हम और तुम, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम। वो फिर ढोलक आगे चली जाती है। फिर उसको वो दिखाई देता है चीता, चीता कह ठहरो मैं तुमको खाऊंगा, मैं तो तुम्हारे इंतजार कर रहा था। तो वो कहता है हाँ तो मैं भी आ गया हूँ ना, मैं इतना मोटा होके आया हूँ नानी के घर से, मैंने बहुत कुछ खाया है, तो आके मेरे पास आ जा जल्दी से और मेरे को खा ले। वो जल्दी से पुड़िया में से लाल मिर्ची निकालता है, उसकी आंख में डाल देता है, तभी भाग जाता है। तो फिर ढोलक को धक्का देता है,
और कहता मम्मी के घर चले हम और तुम चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम। चलो बच्चे गाओ, मम्मी के घर चले हम और तुम चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम। जैसे वो घर पहुंचते हैं उसकी मम्मी बड़ी खुश होती है कि मेरा बच्चा वहां से इतनी दूर से अकेला जाके वापिस आ गया, और पूछता है कि कैसे, मम्मी पूछती है कैसे आया तू, कहता नानी ने मेरे को मिर्ची दी थी, वो मैंने उनकी भालू रास्ते में मेरे को भालू मिला था और शेर मिला था चीता मिला था, मैंने तीनों की आंखों में मिर्ची डाल दी और अब खुद आपके पास आ गया। ये कहानी है। कहानी अच्छी लगी आपको? चल मेरी ढोलक थम थम कर तुम और हम नानी के घर। हेलो बच्चों, मेरे पास दो तीन कहानी है, आप कौन सी सुनना चाहोगे? चूहे वाली, शेर वाली के वो, नानी के घर वाली? नानी के घर नानी के घर वाली। चलो हाँ वही फेवरेट है, वही सुनाती हूँ फिर। तो एक बच्चा था उसका नाम था बीनू, तो वो उसकी स्कूल की छुट्टियां हो गई तो बोर हो रहा था, उसकी मम्मी ऑफिस में जाती थी, वो अकेला रहता था घर में, तो उसने कहा कि मम्मी मैं बोर हो रहा हूँ, मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा, दो महीने वहीं रह के आऊंगा। तो उसकी मम्मी कहता है कैसे जाऊंगा, तो कहती है एक ढोलक बना देते हैं, ढोलक में बैठ जा कि नानी का घर बहुत दूर है, रास्ते में जंगल आता है, तो वो ढोलक में बैठ जाता है, तो कहता है नानी के घर चले हम और तुम चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम। तो रास्ते में शेर आ जाता है, शेर कहता है ठहरो मैं तुमको खाऊंगा। वो कहता है नानी के, अभी तो मैं कमजोर सा हूँ पतला सा हूँ, नानी के घर जाऊंगा लड्डू पेड़ा खाऊंगा मोटा होकर आऊंगा फिर तुम मुझको खा लेना। कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर वो चला जाता है, फिर ढोलक को धक्का मारता है और चला जाता है आगे, नानी के घर चले हम और तुम चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम। आगे भालू आ जाता है, कहता है ठहरो मैं तुमको खाऊंगा। वो कहता है अभी तो मैं छोटा सा हूँ कमजोर सा हूँ पतला सा हूँ, मैं अभी नानी के घर जा रहा हूँ, वहां जाऊंगा खूब लड्डू पेड़ा खाऊंगा हलवा पूरी खाऊंगा मोटा होकर आऊंगा फिर तुम मुझको खा लेना। कहता है अच्छा अच्छा मैं